जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा ये चीज़ ना आपने साथ देखनी है मेरे और नोट करना है। एक चीज़, ये दरख्त है जी, जी ये इतना स्याह नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक इसका कलर अलग ही दिख रहा है आपको, अंधेरे में भी स्याह, जेट ब्लैक। अब आपने ये नोट करना है, तरीन लग रहा है यार जी, ये नोट कीजिएगा। ये चेक किया आपने? हाँ ये गायब हो गया था। चेक किया आपने? इतना बड़ा होते होते इतना सा हो गया। ये इतना स्याह तो नहीं था ना दरख्त? ये तो बहुत ज्यादा स्याह था ना। कहाँ चला गया? या ये छोटा हो गया जो हमें लग रहा है दरख्त के अंदर गायब हो गया? काली सी चीज जा रही दरख्त के अंदर। ये वो ही है सज्जाद भाई, ये वो ही है। देखें जा सकती दरख्त के अंदर, गायब के अंदर, दरख्त के अंदर गई। ये देखिएगा, पता नहीं या तो ये दीवार में जब सो गया है या नीचे। मुझे वो बिल्ली याद आ गई कुरंगी के, जो दीवार के अंदर दीवार में गायब। हाँ गायब हो गई। स्याह क्या इन कमरों में चला गया? जहाँ से मैं मुसलसल कह रहा था कि मुझे कुछ महसूस आते हैं इस कमरों में, महसूस आते हैं। ये हमने कैसे देखा? तो इससे पहले भी कुछ हुआ। हाँ। मैं बताता हूँ, नोट कीजिएगा। यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, इस एरिया में खेत खलियान नहीं है। ये खेतों में जमीन पर दी, यहाँ जमीन नहीं है, पहाड़ी इलाका है। और ऑलमोस्ट मैं बचपन में इस एरिया में काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ। मुझे नहीं लगता ये परिंदा इस, मैंने अपने ऊँचा आवाज़ में यहाँ इस इलाके में आवाज़ सुनी है, इस पूरे इलाके में ना, क्योंकि इतना नॉर्थ नाजाबाद से पूरा एरिया है। मैं एक अर्से में रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी इसकी आवाज़। ये उस वक्त कैसे आई और कैसे बुलाई है आपने? मतलब कैसे, ये कैसे किया आपने? ये मुझे कहते हैं किसको आप बुलाते हो? कैसे ऐसा हो नहीं सकता हमारे ऊपर। मतलब यार कैसे मैं यकीन करूं, क्योंकि मैं उस इलाके का मैं चप्पा चप्पा घूमा हूँ। और भैया ये तो हम उस हमारे कुछ जब हम बचते थे सुकून थे, तो एक हमारी मौज होती थी पहाड़ी चढ़ना ना, रेस लगती थी उतरना चढ़ना। हमने इस परिंदे को कहीं नहीं देखा। लोग जी अब ये मैसेज करते हैं कि मान गए जी ये टटेरी जो है ना, ये एक तरह से मदद है आपकी, आपको गिफ्ट है एक तरह से। मदद मैंने हमेशा महसूस की अपने साथ, जानवरों की शक्लों में, ऐसे गायबाना शक्लों में। दुआएं तो हैं ही हैं। सही सही। जब हमारा कुम्हारी जाना हुआ, कुम्हारी भी वहाँ, जब हम उसकी बैक साइड पर गए और जहाँ हमें वो घुंघरू मिले, वो पाजेब मिली, उसके बाद जो टटेरी का शोर करना था, आवाजें थी, उस दिन से लेके तकरीबन हर एपिसोड में ही हमारी आपको ये आवाज़ साथ मिलेगी। मैं ये कहता था कि चलो हमारा हाईवे बहुत जाना होता है, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, उस साइड पे ना मैदानी इलाका होते हैं परिंदा, लेकिन वो एक कोना है कराची का, ये दूसरा कोना है मंगोपीर सुपर हाईवे। हाँ, और जैसे आप बता रहे हैं कि इतना मैदानी इलाका नहीं है, नहीं पहाड़ी इलाका यार, ये हमारे सर पे कैसे आ गई उसी वक्त, उसी वक्त जब हमें इसको देखना है हमारे ऊपर। हमारे सर के ऊपर। और मैंने उसको कहा सज्जाद अब कुछ होगा, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि ये आती है तो कुछ नया ऐसा होता है कि बस होश आवाज सुन हो जाए। मैं अक्सर कहता नहीं यार ये काम करवाए जा रहे हैं हमसे। हाँ। तो कुछ वजूहात है ना, मतलब आंखों से देखने के बाद कह रहा हूँ आपसे बात, कोई हवाई बात या किताबी बात नहीं करता आपसे। कई बार आजमा चुके ना, उसी वक्त जानवर हमें अलर्ट कर देते हैं, उसी वक्त टटेरी हमारे सर पे आ जाती है, उसी वक्त हमारी यहाँ यहाँ से चीजें गुजर जाती हैं। शुक्र अल्लाह, मैं पूछ सकता कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकल आया यार।
आप अंदाजा लगा लें गाड़ी फंस जाती है, फौरन ही ट्रक आ जाता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, खुद ब खुद ही ना सब। अब जी हम नहीं देख पाते इनको, ये उस वक्त से नहीं थी ये मखलूकात, ये बहुत पहले से थी, हम नहीं देख पा रहे थे, हम नोट नहीं कर पा रहे थे। ये तो जब कहते हैं ना कि आपके लिए मजीद मुनासिब नहीं है वहां पर, पीछे हट जाओ या देख लो जो मकसद है तुम्हारा करके चले जाओ यहाँ से, आपको वार्निंग के साथ दिखा दिया जाता है। हम कर कहाँ सकते थे बगैर इस मदद के रिकॉर्डिंग चीजों के। एक तो इस जगह ऐसी वक्त में किसी नॉर्मल होश आवाज में किसी इंसान का ऐसी जगह पे होना ही मुमकिन नामुमकिन बात है। बगैर हम यहाँ पे मतलब हम क्यों खड़े होंगे, जो वीराने में ऐसा लगा कि पूरा आबाद है। अब देखें जी होता क्या है, हमें ना जानवरों की आवाज़ आती है, हमें वो मखलूक नजर आ जाती है दरख्त के पीछे, हमें टटेरी की आवाज़ आती है, हम इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं और ऐसे जज्ब होते हुए ये आप दोबारा चेक कीजिए, मैं ओरिजिनल दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये ओरिजिनल फुटेज है। यार ये तो मेरे आंखों से देखा है ना, ये तो मतलब ये तो इसकी हैबिट इसी चीज है, इसका खौफ यार इस दरख्त के अंदर अगर जाती ना ये, इसका रंग इतना स्याह था शिराज में नजर आना चाहिए था, वो आर-पार दिख रहा है बाजू। हाँ, हाँ, ये लिटरली गायब हुई है चीज, ये दरख्त के पीछे नहीं है। और इससे कंफर्म होता है कि वो जो उस तरफ भागी है ये गली के अंदर, वहां भी ये गायब ही हुई होगी। जमीन के अंदर जो इसका टनल सिस्टम चल रहा है ना, वो जो वो एक्स्ट्रा गटर थे या बदबू हमारे इधर चल रही थी, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब यहाँ तो अजीब सी हैबिट लग रही है, जितने ये पिलर चौड़ा ऊपर की मुंडेर चौड़ी उतनी चौड़ी है ये, इस वजह से लाश आगे वाकई गायब हुई है दादा, ये दिखाइएगा। हाँ हाँ, एक झलक रही है इसकी बस, ये भी दिखा दीजिएगा, ये भी हुई होगी अगर मैं थोड़ा सा खोलूंगा ना, ये देखिए यहाँ सजा ये शेप तो कुछ और है, इस वक्त तो ये उस शेप इंसानी शेप में नहीं है। हाँ यहाँ बिल्कुल एक छोटी सी कोई ना आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट कह लें, क्या है ये इस वक्त, क्या शेप बन रहा है इस वक्त, बहुत ही छोटा सा जी कोई, इस वक्त तो मुझे पता है फ्रॉग टाइप, फ्रॉग तो नहीं, ये लग रहा था जैसे कि मंकी टाइप का नहीं होता काला सिया, लेकिन यहाँ बंदर नहीं है ना इस एरिए में, सिया मंकी नहीं होते वो इस। अब ना टटेरी ने ये दिखा दिया हमें, जानवरों ने वो दिखा दिया, एक जगह और आपने इसको देखा है बड़ी अजीब जगह पर, और वो बड़ी अजीब जगह जो है हाँ। मैं हैरान हूँ उस पर कि यार कैसे देख लिया वहाँ पर, वो पता कैसे दिखा था यार सज्जाद, वो तो आंखों से दिखा था, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि खौफनाक दो आंखें, क्योंकि यार मेरे रिसेप्टर्स अलग से ना, वो नीचे मेरे मैंने खड़ा में देखा, उस होल की तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा अजगहा उसकी शक्ल बड़ी हो और वो बाहर दिख रहा हो, वो या कोई बहुत बड़ा सर बाहर निकला हो और उसकी दो खौफनाक सिया सिया आंखें मुझे देख रही है, ये आंखें मैंने अपनी आंखें अपने जिस्म में गुस्से में महसूस किए, ये आंखें ना सज्जाद, ये जी होता ये टैंक के नीचे ना एक सुराख था। हाँ, और टैंक के अंदर ना नुकीले पत्थर हमने शाम में रिकॉर्ड किए इस टैंकी के अंदर,